डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह परमार, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पिछड़ उत्तरकाशी। आज मैं आया हूँ एक बहुत दूर ऊपरी कोट गांव में, जो कि बहुत सड़क से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो सरसों की खेती है, जो कि अब लगभग जो है समाप्त हो गई है, और लोग जो है अब जो है रिफाइंड ऑयल और फॉर्च्यून का ऑयल जो है आज खा रहे हैं, जिसके कारण जो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। लिपिड और प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, क्योंकि अब लोग हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग टोटली जो है उसमें आ गए हैं, टोटली जो है हम लोग मार्केट बेस्ड ऑयल पे आ गए हैं। और ये जिसके कारण जो आज हम लोग अपने जो है अपने प्रोडक्शन को जो है बहुत ज़्यादा हमने कम कर दिया, जबकि हम जब बचपन में हम लोग इसका खूब ऑयल जो है लेते थे और घर का ही ऑयल हम यूज़ करते थे। परंतु ऑयल बंद होने से आज पूरे भारत में जो है सारे बीमार जो लोग हैं, उसके कारण एक ही कारण है कि वो फैट के कारण है, क्योंकि लोगों ने सरसों उगाना बंद कर दिया है। फॉर्च्यून का और किस किस का ऑयल खा खा के आज लोग रिफाइंड ऑयल के नाम से मार्केट में कितने ही प्रोडक्ट आ गए हैं, जिसके कारण सब लोग जो आज हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है। तो यदि हम जो है अपने इन दूरस्थ गाँव में जो हम देख लें कितने दूरस्थ गाँव में हमारे रखें, ऐसे ही अगर हम सरसों की खेती करेंगे, जो भी यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रोडक्शन करें, तो निश्चित रूप से जो है हम लोग जो हैं बहुत इकोनॉमी जनरेट भी कर सकते हैं, और साथ में साथ हम जो हैं वो जो सबसे बड़ी दिक्कत आज समस्या हो रही पलायन की, तो पलायन की जो है सबसे बड़ी समस्या है ये ख़त्म हो सकती है, जो कि हम आज जो है उन्नत भारत अभियान के तहत इस सारे कार्यक्रम को कर सकते हैं, और गाँव का आदमी अगर गाँव में उसे रोज़गार मिले, गाँव में उसे अच्छा जो है प्रोडक्शन मिले, तो जो आज खेत हमारे खलिहान जो बर्बाद होते जा रहे हैं, ये सब खत्म हो सकते हैं उन्नत भारत अभियान के तहत।